और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां 4300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के वीवा ग्रुप के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी को इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी प्रवीण राउत और ठाकुर परिवार के बीच मनी ट्रेल के कुछ सबूत मिले हैं। हितेंद्र ठाकुर के भतीजे मेहुल ठाकुर और कंसल्टेंट मदन गोपाल चतुर्वेदी को ईडी ने गिरफ्तार भी इस वक्त कर लिया है। ईडी के अधिकारी अब इन्हें कोर्ट में पेश करके कोर्ट से इनकी हिरासत की मांग करेंगे। साथ ही आपको बता दें, हितेंद्र ठाकुर को महाराष्ट्र में एक दबंग बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी पार्टी के दो विधायक भी हैं। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ठाकुर की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मुख्य आरोपी और ठाकुर परिवार में मनी ट्रेल के कुछ सबूत मिले ईडी को, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। हितेंद्र ठाकुर के भतीजों समेत दो को ईडी ने गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।